हेलो फ्रेंड्स, सिंग बेंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे अमूल फ्रेश क्रीम से व्हिप क्रीम। इसमें 25% फैट होता है, जबकि व्हिप क्रीम में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने इस फ्रेश क्रीम को 3 से 4 घंटे फ्रीजर में रख दिया था, क्योंकि मुझे इसका हैवी पार्ट चाहिए, थिक पार्ट। मैं इसका नीचे का लिक्विड पार्ट यूज़ नहीं कर रही। यहाँ मैंने एक चिल्ड बाउल लिया है, उसको भी मैंने फ्रीजर में रख दिया था। अब मैं इसके अंदर क्रीम का थिक पार्ट डालूंगी और एक दूसरे बाउल में आइस क्यूब डालूंगी और इस व्हिप क्रीम के बाउल को उसके ऊपर रखकर कुछ देर तक विस्क करूंगी। देखिए, यहाँ मैं विस्क कर रही हूँ, इसको विस्क करते रहना है इसको थोड़ी देर के लिए। आपको मार्केट में व्हिप क्रीम अवेलेबल नहीं होती है, तो आप व्हिप क्रीम इससे बहुत अच्छी बना सकते हैं। मैंने भी बहुत अच्छी क्रीम बनाई है। देखिए, मैं इसको विस्क कर रही हूँ, अब ये थोड़ी थोड़ी थिक होने लगी है। देखिए, आपको इसको विस्क करते रहना है जब तक इसमें ये क्रीम थोड़ी थिक और फ्लफी ना हो जाए। इसमें जब आप ये क्रीम इसको विस्क करते जाएंगे तो इसमें एक पीक बनने लगेगी। जब वो पीक बनेगी तो आप समझ लेना आपकी व्हिप क्रीम तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पर इसमें पीक नहीं बने हैं और अच्छी तरह से विस्क नहीं हुई है, तो इसको हमें और विस्क करते जाना है। यहाँ मैंने इसको विस्कर की सहायता से ही 8 मिनट तक विस्क किया है। ये देखिए, अब ये थोड़ी थोड़ी हैवी होने लगी है क्रीम, इसको हमें और विस्क करना है। फ्रेंड्स, इसको मैंने इतना विस्क किया कि इसमें अब सॉफ्ट पीक बनने लगे हैं। देखिए, मैं ऐसे विस्कर को ऊपर करती हूँ तो इसमें पीक्स निकलते हैं इस तरह से। जब आपके इस तरह से पीक्स बनने लगे तब आप इसमें शुगर और वनीला एसेंस ऐड कर दें और इसको थोड़ी देर के लिए और विस्क करें, फिर ये बिल्कुल व्हिप क्रीम तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, व्हिप क्रीम को पूरा प्रोसेस होने तक हमने इसको चिल्ड वाटर या आइस के ऊपर ही रखना है, ताकि हमारी व्हिप क्रीम अच्छे से इसमें पीक्स बने। देखिए, अब पीक्स बन गए, ये हमारी व्हिप क्रीम बिल्कुल तैयार है। अब इसको और ज़्यादा विस्क नहीं करेंगे, नहीं तो इसके अंदर बटर निकल आएगा और नीचे लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारी व्हिप क्रीम तैयार है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं केक पर, पेस्ट्री पर और कस्टर्ड पे यूज़ कर सकते हैं। आप तिरामिसू बना सकते हैं, उस पर यूज़ करें इसको, सबके साथ आप यूज कर सकते हैं और मजे लीजिए इसके। अगर आपको मेरी ये इजी और मजेदार व्हिप क्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे सिंग बेंच